हाय एवरीवन, आज हम गुजरात की डेलिकेसी दाल ढोकली बनाएंगे, जिसे तीन पार्ट्स में बनाया जाता है। सबसे पहले दाल को बॉईल करना होता है, सेकंड पार्ट ढोकली के लिए आटा बांधना होता है, एंड थर्ड पार्ट उसे टेंपर करना, तड़का देना। तो ऑथेंटिक रेसिपी में खट्टा, मीठा, तीखा सभी फ्लेवर्स को यूज़ किया जाता है। तो चलिए आज हम गुजराती ऑथेंटिक खट्टा, मीठा, तीखा सभी फ्लेवर्स को यूज़ करके यम्मी दाल ढोकली बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स को देख लेते हैं। आधा कप तुअर की दाल को लिया है मैंने, और ये सब स्पाइसेस है, सभी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। चार क्लोव्स लिए हैं, सिनेमन स्टिक, करी लीव्स, ज़ीरा, राय, ग्रीन चिली, जिंजर एंड पीनट्स। और यहाँ पर मैंने हींग को लिया है, टोमेटोज को लिया है, एंड इमली ली है मैंने, टैमरिन 2 टेबल स्पून हमने इमली को लेना है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हैं। और दाल को हम अच्छे से वॉश करके इसे हम बॉईल कर लेंगे पानी ऐड करके, और इसमें थोड़ी सी मैं हल्दी और नमक को ऐड कर लेती हूँ। दाल को हमें अच्छे से गला लेना है, अच्छे से बॉईल करके कुक कर लेना है। दाल को प्रेशर कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, और मीनवाइल हम दूसरे प्रेप भी कर लेते हैं। इमली को हम थोड़े से पानी में भिगो के रख लेंगे थोड़ी देर के लिए। दाल ढोकली को हमें तीन पार्ट में बनाना है, तो दाल को हमने बॉईल पर रख दिया है। सेकंड पार्ट है हमारी ढोकली, तो यहाँ पर मैंने गेहूँ का आटा लिया है आधा कप। इसमें मैं हल्दी पाउडर, नमक एंड चिली पाउडर को ऐड कर रही हूँ, और रोटी के आटे की तरह हमें इसे आटे को बांध लेना है, डो नीट कर लेना है हमें इसका। तो चलिए इसका डो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, आटे को हम बांध लेते हैं। थोड़ा सा हमें ऑयल ऐड करना है ताकि आटा हमारा सॉफ्ट रहे और इसकी ढोकली अच्छी हम बना पाए। तो इसी तरह से हमें आटा बना के रेडी कर लेना है, ना ज़्यादा हार्ड ना ज़्यादा सॉफ्ट, और मीडियम कंसिस्टेंसी पर। इसे हम चार इक्वल पोर्शन में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी ढोकली भी हम बना लेते हैं। इसी तरह से चारों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके हमें इसे रोल आउट कर लेना है, और बड़ी रोटी हमें बना लेनी है हर एक पोर्शन की। दाल ढोकली के वीडियो में मैंने इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर की है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। क्या आप लोगों को लगता है दाल ढोकली इंडियन वर्जन ऑफ पास्ता है? वेल, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कॉमेंट्स। इसी तरह से हमें रोल आउट करके रेडी कर लेना है, और ढोकली के लिए हमें इतना ही हमें थिक रखना है, ज़्यादा हमें थिन नहीं करना है, ज़्यादा पतला नहीं रखना है। इसी तरह से सभी ढोकली को हमें रेडी कर लेना है, और इसे हमें लाइट हमें तवे पर सेक लेना है दोनों साइड पर। 15 से 20 सेकंड के लिए हम इसे सेक लेंगे। इसी तरह तवे पर सेक लेने से हमारी ढोकली आपस में चिपकेगी नहीं और बहुत ही डिलीशियस बनेगी। ये मैं आपसे एक टिप शेयर कर रही हूँ, आप अगर चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसे लाइट हमें सेक लेना है। मैं अपने नाचोस भी सेम मेथड से बनाती हूँ, इसी तरह से नाचोस की भी रोटी को हम लाइट सेक लेते हैं। रोटी को अगर हम सेक के बनाते हैं, ढोकली हो या चाहे नाचोस, तो एक क्रिस्पी और एक खुला सा टेक्सचर आता है। तवे पर लाइट सेक लेने से नाचोस क्रिस्पी बनते हैं और ढोकली आपस में चिपकती नहीं है। इसी तरह से ढोकली को पिज़्ज़ा कटर से कट करके हमें पीसीस कर लेने हैं। हमारे इंडियन पास्ताज रेडी है। अगर आपने रोटी को इसी तरह से सेक लिया है तो आपके ढोकली आपस में चिपकेंगे नहीं। हमारी दाल अच्छे से बॉईल हो चुकी है, रेडी है। दाल ढोकली को हम प्योर घी में बनाएंगे, तो यहाँ पर मैं 2 से 3 टेबलस्पून घी के ऐड कर लेती हूँ, और थोड़ा सा हमें ऑयल भी ऐड करना है। घी को हमें थोड़ा सा गरम कर लेना है थोड़े से ऑयल के साथ। गरम होने के बाद हम इसमें लवंग एंड तज को ऐड करेंगे,
और उसे थोड़ा सा हम क्रैकल होने देंगे। तज और लवंग के गरम होते ही हम राई, ज़ीरा, करी लीव्स सभी को ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम ग्रीन चिली को ऐड करके 2 मिनट के लिए हम स्टर करेंगे। ग्रीन चिली के सोटे होने के बाद हम हींग, हल्दी एंड चिली पाउडर को ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो पीनट्स भी रोस्ट कर सकते हैं, पर मैंने अपनी पीनट्स को रोस्ट करके रखा है तो मैं ग्रेटेड जिंजर को ऐड कर लेती हूँ। और ये सभी चीज़ों को हमें सोटे करना है और इसके बाद हम हमारी बॉईल की हुई दाल को ऐड कर लेंगे और फिर हम टमेटोज एंड पीनट्स को लास्ट में ऐड करेंगे। दाल में हम और थोड़ा सा पानी कुकर को धो के ऐड कर लेंगे और इसी के साथ हम गुड़ को, इमली के पल्प को एंड टमेटोज को सभी चीज़ों को ऐड कर लेंगे और हमें सभी को एक बॉईल के लिए कुक होने देना है। ये इमली का मैंने पल्प बना लिया था और पीनट्स को सभी को ऐड करके हमें थोड़ी देर के लिए कुक करना है। दाल हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी है, इसमें हम ढोकली को ऐड कर लेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है, कुक करना है। जिस तरह से हम पास्ता को वाटर में कुक करते हैं उसी तरह से हमें ढोकली को भी दाल के अंदर हमें 8-10 मिनट्स के लिए कुक होने देना है। और ढोकली के पीसीस को हमें 7 से 8 मिनट के लिए अंदर पकने देना है। आप मेरी टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी दाल ढोकली भी इसी तरह से परफेक्ट बनेगी और आपस में चिपकेगी नहीं। देखिए इसी तरह से हर एक ढोकली अलग आप देख सकते हैं। इंडियन पास्ता इन लेंटिल सूप, तो दाल ढोकली हमारा एक पास्ता का वर्जन है। और देखिए कितनी परफेक्ट बनी है दाल ढोकली हमारी, ऑलमोस्ट रेडी है। गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर लेती हूँ और इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे, फिर मैं इसे सर्विंग डिश में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। दाल ढोकली बहुत ही यम्मी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मैं तो इसे एंजॉय करूँगी। आप भी अपनी फैमिली के लिए बना के इसे एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।